हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम और एचसीएम साधारण तरीके से कैसे ज्ञात करना है, आप समझिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 24, 48, 96 का एलसीएम तथा एचसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम, ऐसे भाग विधि से सबको भी सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने में कितने लोगों को परेशानी होती है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएम कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख देना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। दो से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 12, फिर दो से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 6, फिर दो से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 48 का भी ऐसे ही निकालिएगा, दो से भाग दीजिएगा तो 24, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 12, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 6, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 3। उसी प्रकार आप 96 का निकालिए, ऐसे दो से भाग दीजिएगा तो 48 × 96 होता है, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 24, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 12, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 6, फिर दो से भाग दीजिएगा तो 3। इस प्रकार आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 24, ठीक है। 24 लिखने के बाद इसका जो गुणनखंड आ रहा है, जैसे कितना 2 है, यहाँ पर लिखिएगा कितना 2 × 2 × 3, ठीक है। आप चाहिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के बाद कितना लिख देंगे 3 × 3। उसके बाद कितना है 48, तो 48 को क्या लिखेगा 2 × 2 × 2, कितना है 4 × 2 है और 1 × 3 है। 96 को क्या लिखिएगा, 96 को लिखिएगा 2 × 2 × 2 × 2, कितना 2 है 1, 2, 3, 4, 5 × 2 है, 5 × 2 है और 1 × 3 है। तो आप लोग इसको कैसे लिख दीजिएगा, 2 × 5 × 3 लग कर सकते हैं, इसको भी 2 × 4 × 3 कर सकते हैं। अब रह गया बात कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए ना तीनों में देखा जाता है, अगर 2 संख्या दिया रहेगा तो दोनों 2 में देखा जाएगा, और 3 दिया गया तीनों में देखना है कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है सबसे कम हो। जैसे तीनों में मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है तीनों में मिलने वाला, तीनों में देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 की पावर 5। यानी अगर हम 2 की पावर 3 देखें तो ये तो तीनों में मिलने वाला है, तो 2 की पावर 3 तीनों में मिलने वाला है, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे गुना, और क्या तीनों में मिलने वाला है, 1, 3 इसमें भी मिलने वाला है, 1, 3 इसमें भी मिलने वाला है, 1, 3 इसमें भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना 8, यहाँ पर लिख देंगे 3, तो 8 × 3 का कितना हो जाएगा 24। देख सकते हैं कि एचसीएफ कितनी आसानी से मैं समझा दिया हूँ आपको। अब रह गया बात कि एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तीनों संख्याओं को देखिए ध्यान से, और तीनों में देखिए कि वह कौन सा मान है जो सबसे अधिक बार आया है। और एलसीएम की सबसे बड़ी बात यह है कि जो नहीं मिलता है तीनों में उसको भी लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 की पावर 3 इसमें भी आया, 2 की पावर 4 इसमें भी आया, 2 की पावर 5 इसमें भी आया, 2 की पावर हाँ देखिएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तीनों में 2 आया है, लेकिन सबसे अधिक वाला जो 2 है 96 वाला में आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 2 की पावर 5 लिख देंगे, 2 की पावर 5 लिख देंगे। और उसके बाद क्या आया है, उसके बाद 3 आया है जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। आपको बोले थे ना कि एलसीएम में जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। तो 2 के पावर 5 के मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32, 2 × 2 × 5 बार अगर कीजिएगा तो कितना जाएगा 32, और 32 में 3 से गुना कीजिएगा तो 32 × 3 कितना हो जाएगा 96। समझ गए ना भाई, 2 के पावर 5 में आपको दिक्कत होगा तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 5 बार कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना हो गया 32 हो गया। तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी आसानी से आप एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको एलसीएम एचसीएफ आपके दिमाग में 100% समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कमी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।